सरकार द्वारा ग्रामीणों के खाते में भेजे गए पैसे और गैस सब्सिडी के पैसे एवं अपनी जरूरी जरूरतों के पैसे निकालने के लिए क्षेत्र के ग्रामीण बैंकों में प्रतिदिन ग्राहकों की लंबी लंबी कतारें सुबह से ही लगनी शुरू हो जाती हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस को भी जनता की जद्दोजहद झेलनी पड़ रही है। वहीं ग्राहक काफी देर से लाइन में लग रहने के बाद भी कैश नहीं पाते हैं और हताश होकर अपने घर चले जाते हैं। वहीं इस बात से अनजान बने जिम्मेदार बैंक मैनेजर अपनी जिम्मेदारियों से परे दूसरे कामों का हवाला देकर जनता की समस्याओं को दरकिनार करते हुए विमुख होकर सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर पानी फेर रहे हैं। मामला सेमरी बाजार स्थित बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की शाखा सेमरी महमूदपुर का है। यहां प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में ग्राहकों की लंबी कतारें सुबह से ही शुरू होती है और कई घंटों लाइन में लगने के बाद भी ग्राहक बिना कैश पाए ही निराश मन से शाम को घर लौट आते हैं और फिर दूसरे दिन यही काम और फिर घर वापस। प्रतिदिन सैकड़ों ग्राहक इसी तरह वापस होते हैं। वहीं गुरुवार को अपनी जरूरी जरूरतों के लिए पैसा निकालने आई जोखाना पत्नी चिंतामणि निवासी लहोटा, सरोज देवी पत्नी श्री बहादुर निवासी पिंदौली, रामभजन निवासी महमूदपुर, सैमरी संगीत पत्नी रामचरित्र निवासी जयसिंहपुर, कुसुम पत्नी घेरराव निवासी मौकेहीड़ व अन्य ग्राहकों ने बताया कि हम लोग कई घंटों से लाइन में लगे हुए थे, किंतु 4 बजे शाम तक भी हमारा विड्रॉल वाउचर बैंक में नहीं लिया गया और अब बोला जा रहा है कि अगले दिन आओ। बैंक में एक ही कैश काउंटर होने की वजह से लोगों को पेमेंट नहीं हो पा रही। लोगों ने बैंक मैनेजर से 2 कैश काउंटर खोलने के लिए कई बार आग्रह किया, किंतु जनता की समस्या के समाधान के लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे क्षेत्र के ग्राहकों में काफी रोष व्याप्त है। कहाँ से आई हैं? मोकेडी से। कब से लाइन लगाई हैं आप? 12 बजे से। अभी तो पैसा नहीं मिला आपको? क्यों, क्या बता रहे हैं कर्मचारी? क्या बता रहे हैं बैंक कर्मचारी? क्यों कह रहे हैं? पूछे आप पैसा है कि नहीं है, बताएं आप, बताइए। कुछ कहें, कुछ कहें वो लोग? नहीं कहें। अच्छा।